अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हक से आई हो तुम यहाँ पर? आपकी पत्नी और इस घर की बहू होने के हक से। और मेरे हक क्या क्या है ये मेरे वकील ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, इसलिए ना तो तुम इस घर की बहू हो और ना ही मेरी पत्नी। लेकिन इस देश के संविधान के हिसाब से तलाक की अर्जी देने के बाद पति पत्नी को कम से कम एक महीना एक साथ एक छत के नीचे रहना होगा। मेरे पति को हासिल करने के तेरे नापाक इरादों को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी गला। एक महीने में कुछ नहीं बदलेगा दीदी, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन तेज को मैं हासिल करके रहूंगी। कम से कम अगले एक महीने तक मैं तेज सर जी की पत्नी और इस घर की बहू हूँ, और इस सच को कोई नहीं झुठला सकता। अगले 30 दिनों के बाद कानून ये फैसला करेगा कि मैं इस घर में रहूंगी या नहीं। अगले 30 दिनों तक मुझे मेरे पति से कोई अलग नहीं कर सकता, और ये 30 दिन काफी है सारी दुनिया के सामने ये साबित करने के लिए कि तेजसर जी और मेरा रिश्ता 7 जन्मों का है। कौन से पति की बात कर रही है तू, जो खुद तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता? सची चाहे मुझसे नाराज हूं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती। साबित करने के लिए बच क्या गया है? तेरी आंखों के सामने इस घर के छोटे बेटे की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। तुमने इस बच्चे की जान दी है। परिवार से एक बेटा तो तुमने छीन लिया, अब क्या दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद करके ही चैन लेगी? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, और मैं अपने तेज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तू जैसी हूनी की तरफ मुड़कर भी देखना पसंद नहीं करेगा। हम सबका फैसला एक ही है कि इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तेज, मैं तुझसे उम्मीद करती हूँ कि तू इस लड़की के झूठे आंसुओं से पिघलेगा नहीं, और ना ही अपने छोटे भाई के साथ नाइंसाफी होने देगा। आज मैं तुझसे जन्म देने वाली माँ के हक से एक हुक्म देती हूँ कि तू जिंदगी भर इस लड़की से कोई नाता नहीं रखेगा। सर जी, आपको जन्म दिया है इसीलिए मम्मी जी का हक आप पर है, पर जो मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर है उससे मेरा भी तो आप पर कुछ हक है ना।
मेरी मांग सुनी करके तू अपनी मांग के सिंदूर की दुआई दे रही है? नहीं दीदी, जो तूने मुझसे छीना है ना वो तेरे पास नहीं होगा। आज मैं अपने हाथों से तेरी ये मांग का सिंदूर मिटा दूंगी। अगर मेरी मांग का सिंदूर पूछने की जुर्रत भी की ना कला तो तेरा हाथ तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगी। मुझे विधवा बनाकर खुद के सुहागन होने पर बड़ा इतरा रही है ना तू? नहीं दीदी, तूने मेरा सुहाग छीना है। और अगर मेरा सुहाग छीना है तो भी सुहागन नहीं रहेगी। तेज से तेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं नहीं रहेगा ये सिंदूर। नहीं छोड़ पागल पुत्र, छोड़, पागल हो गई है। तू देख रहा है इस घर के लोगों का क्या हाल बना दिया इस लड़की ने। अगर तूने अपनी माँ की बात नहीं मानी ना तेज, तो दीपक की जगह जो अगली तस्वीर होगी वो तेरी माँ की होगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं दीपक को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। और इस घर की सारी खुशियां वापस लाकर रहूंगा। और मैंने भी कसम खाई है कि तुझसे अपने बेटे की मौत का बदला मैं लेके रहूंगी। तूने इस परिवार के साथ किया ना दालचीनी, उसके लिए ना सारा का सारा परिवार तुझे माफ नहीं करेगा। देखी करना पुत्र, मैं मजबूर हूं। कोर्ट के ऑर्डर्स चाहे जो भी हो, लेकिन इस घर में से तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा। कोर्ट ने भले ही तुझे इस घर में 30 दिन तक रहने की इजाजत दी है, लेकिन हमारे दिल और हमारी जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं होगी। 30 दिन जैसे ही खत्म होंगे, मैं उल्टे फेरे कराकर तुझे अपने इन्हीं हाथों से घसीटती हुई इस घर से बाहर हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। मेरे परिवार और मेरे पति को मुझसे छीनने के लिए क्या खूब खेल खिलाया आपने मम्मी जी, लेकिन अगले 30 दिनों के अंदर आप ही के खेल में मैंने आपको हरा नहीं दिया तो मेरा नाम भी दालचीनी नहीं। क्या करूं भगवान, कैसी मोटी चमड़ी की बहन दी है आपने भी मुझे। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ। तेज ने खुद धक्के मार के घर से बाहर कर दिया, लेकिन ये तो टूटने कोई तैयार नहीं है। ओ, ओ, भगवान भला करे, आप ही का इंतजार था पार्टनर।
देखती हूँ हम दोनों की सीने पे मुंह दलने फिर से वापस आ गई इस घर में। अब जल्दी बताओ दीदी का करना क्या है। तुझे देखा क्या हाल हो गया? मैं खुद से बातें करने लगी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। जब तुझे देखती हूँ मुझे दीपक की याद आती है। तू चली जाए यहाँ से। नहीं जाएगी ना? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। पुलिस की रिपोर्ट है मेरे हाथ में और इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि पुलिस खुद हैरान है कि दीपक फिसल कर झील में गिर गया, क्योंकि पिछले 50 सालों में आज तक वहां फिसल कर किसी की मौत नहीं हुई है। एक दो वारदात ना ऐसे हुए हैं कला कि किसी ने जानबूझकर धक्का देकर उस झील में किसी की जान ली हो। पर खुशी की बात यह है कला कि उस मुजरिमों को ना पुलिस ने देर सवेर पकड़ ही लिया। तो ये सब मुझे क्यों बोल रही है तू? हाँ, तू कहना क्या चाहती कि मैंने दीपक को धक्का दिया है झील में? अपने किए हुए इल्जाम मुझ पर लगाने की कोशिश मत कर दी थी। लेकिन कला, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तू परेशान मत हो कला, पुलिस ना छानबीन अच्छे से कर रही है। आज नहीं तो कल खूनी का पता चल ही जाएगा। तुझे तो पसीने छूट रहे गला। पानी भी। बहुत जल्द इस पानी की जरूरत तुझे पड़ने वाली है दीदी। जब तू मुझे और तेज को साथ में देखेगी तेरे कलेजे में आग लगेगी। वैसे तेज अब तो तेरे नजदीक आएगा नहीं, क्या पता आज रात को उसका अकेलापन मिटाने के लिए मैं उसके करीब चली जाऊं। ये जो गुलदस्ते के टुकड़े तो समेट रही थी ना, उससे कई ज्यादा टुकड़े मैं तेरे करूंगी। अगर तूने तेज सर जी को हाथ भी लगाया तो एक बात कहूं, कोशिश करना चाहती है ना, कर ले, क्योंकि मैं तेज सर जी पर इतना भरोसा करती हूं कि तुझे जितनी चालें चलनी है ना, वो चलने के बाद भी वो तुझे घास तक नहीं डालेंगे। और फिर हो सकता है वो क्या कहा तूने, कलेजे की आग बुझाने की जरूरत तुझे पड़ी। सुन ले दीदी, तेज को एक ना एक दिन मेरा होना ही होगा। और गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल, ताकि तेज इस अनपढ़ गंवार के साथ तुझे भी धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दे। वैसे मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। जब से ये दालचीनी लौटी है ना, इसके सुर और तेवर बहुत बदले बदले से लग रहे हैं मुझे। अब हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। डर तो मुझे भी लग रहा है आंटी जी। ये दीदी इन 30 दिनों में ये साबित ना कर दे कि मैंने दीपक को मारा है। शुँ।
जी, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। मैं जानती हूँ, मम्मी जी के दबाव में आकर तेज सर जी ने आपको सबके साथ खड़ा कर दिया, वरना मैं तो जानती हूँ कि मेरी बीजी हमेशा मेरे साथ है। बीजी, परेशानी तो एक चीज की लग रही है कि तेज सर जी को कैसे यकीन दिलाऊं कि दीपक को धक्का कला ने दिया था। बहुत मुश्किल लग रहा है। उधर भगवान की लीला को काम करने के लिए समय का सिर्फ एक पल चाहिए। तेरे पास तो पूरे 30 दिन हैं। मम्मी जी और कला का पर्दाफाश करना है ना, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। तू जरूर कर पाएगी, भरोसा रख खुद पर। सिर्फ अपने आप पर नहीं बीजी, मुझे हमारे रिश्ते पर भी पूरा भरोसा है। मम्मी जी और कला ना चाहे लाख कोशिश कर ले, पर वो मेरा और तेज सर जी का रिश्ता कभी नहीं तोड़ पाएंगी। तेज की आंखों पर जो पट्टी है वो इतनी आसानी से तो दालचीनी नहीं निकाल पाएगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तेज इसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दे। ये फुल एंड फाइनल करने के लिए दोनों के बीच की दूरियां हमें बढ़ानी पड़ेंगी, और इसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। तुम्हें हमारे जैसे झूठों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। दालचीनी, आज अगर हमारा रिश्ता टूट रहा है ना, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अभी क्या कर रही है चाची? मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने दीपक के साथ कुछ गलत नहीं किया है। आपके सामने खड़ी हूँ चाची, झूठ नहीं बोलूंगी। और मेरा दिल कहता है चाची कि दीपक अब भी जिंदा है, और अगर ये सच है ना, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद दीपक को ढूंढ कर आपके पास लेकर आऊंगी। आपका दर्द समझती हूँ चाची, एक निर्दोष को सजा देकर आप दीपक को इंसाफ तो नहीं दिला पाएंगी ना? तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी वजह से मैं अपने बेटे की कोई अंतिम क्रिया तक नहीं कर पाई। तेरी वजह से मेरे बेटे की चिता को आग तक नसीब नहीं हुई। तो उसका बदला तो मैं तेरी चिता को आग लगा के लूंगी ना? सिद्धा जलाऊंगी तुझे मैं। नहीं चाची जी, आप जो कर रही है ना बिल्कुल गलत कर रही है, और जब आपको इस गलत चीज का एहसास होगा ना, तो आपको बहुत पछतावा होगा। पछतावा? मेरे साथ साथ ये पूरा ढिल्लो परिवार पछता रहा है तुझे इस घर की बहू बनाकर। तो आज दालचीनी नाम का कलंक मैं इस ढिल्लो परिवार से मिटा कर रहूंगी। आंटी जी, ये मम्मी जी ऐसा बॉम्ब है ना, जो कि पता नहीं कब फटेगा, कहाँ फटेगा, कैसे फटेगा। खैर जो भी है, हमारा काम आसान हो रहा है। ठीक है चाची, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन भगवान पर तो विश्वास करती है ना आप। मम्मी चाची, अगर भगवान की नजरों में भी मैं अगर दीपक की खून की गुनहगार हूँ,
तो वो खुद मुझे आज आरती करने से रोक देंगे। आप मुझे एक मौका नहीं दे सकते ना, और कम से कम भगवान को तो एक मौका दे सकती है ना। इस मंदिर में आरती करने का हक सिर्फ ढिल्लो परिवार की बहू का है, और बहू होने का हक तुम कब का खो चुकी हो। हाथ छोड़िए मेरा सर जी, भगवान के लिए मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मैं भगवान की आरती कर सकती हूं या नहीं, इसका फैसला सिर्फ भगवान कर सकते हैं, आप भी नहीं। आरती पूरी हुई बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के, और ये इस बात का सबूत है कि भगवान के सामने मैं बेकसूर हूं। मेरी लाज रखने के लिए धन्यवाद माता रानी, इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मैं अपने पति और अपने परिवार को फिर से पा सकूं। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा मैं जानती हूँ कि इस हादसे ने तुझे पूरी तरह से तोड़ दिया, लेकिन हिम्मत मत हार। इस तरह से अगर तू जीने का जज्बा छोड़ देगी तो कैसे चलेगा? अभी जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, इस दुख से उबरने की कोशिश कर। और ये मत सोचना कि दीपक चला गया तो तेरी देखभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं है। हम सब है, मैं हूँ, तेज है। मुझे लगता है कि हम सबको कला को आराम करने देना चाहिए। रेस्ट करो बेटा। दालचीनी तुम ड्रॉइंग रूम में सो जाना, ठीक है? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे सर में, फट रहा है मेरा सर दर्द से। एक सेकंड तला। तो लगता है रात को मैं सो ही नहीं पाऊंगी, इतना दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें एक टैबलेट दे रहा हूँ, उसके बाद तुम एकदम ठीक हो जाओगे। अभी तुम अपनी आंखें बंद करो और आराम से सो जाओ। तेज मुझे नहीं लगता मुझे आप नींद आएगी, मैं मेरे कमरे में चली जाती। कला तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे टाइम पे तुम अकेले रहो। तुम यहाँ आराम से सो सकती हो, एक दो दिन बाद फिर से तुम अपने रूम में चली जाना और मैं यही रूम के बाहर अपना फोल्डिंग बेड लगा के सो जाऊंगा ताकि मैं तुम पे नजर रख सकूं। नहीं तेज, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण अपने कमरे के बाहर सो। मैं चली जाती हूँ मेरे कमरे में। कला जिद मत करो। अच्छा तुम यही चाहती हो ना कि मैं रूम के बाहर ना सो, तो ठीक है मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। मैं हॉल में नहीं सोऊंगी। कानून के मुताबिक एक महीने तक मुझे और तेज सर जी को अपनी शादी को एक और मौका देना है, और कम से कम एक महीने तक मेरे पास वो सारे हक हैं जो शादीशुदा पत्नी के होते हैं, जिसमें अपने पति के साथ एक कमरे में रहना भी शामिल है। इसीलिए मैं यही सोऊंगी। चलो मंजोत, बच्चों की मनमानियों के बीच में शायद हमें बोलने का कोई हक नहीं है। तू चाहे जो भी कर ले दीदी, अपने मकसद में मैं कामयाब होकर रहूंगी। क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, वो तेज तुम ना एक्चुअली बहुत देर से करवटे बदल रहे थे, तो मुझे लगा शायद तुम्हारा सर दर्द हो रहा होगा। वैसे भी आज तुम काफी परेशान हो गए मेरे कारण, मैंने सोचा मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। इट्स ओके कला, तुम प्लीज आराम करो, तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है, प्लीज। पर यही उम्मीद थी तेज सर जी, आपकी नाराजगी एक तरफ, लेकिन आप पर मेरा भरोसा एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। मेरे भरोसे की इज्जत रखने के लिए थैंक यू सर जी।
तू है बेखुदी और होश तू। सॉरी, मैं उठाना नहीं चाहती थी तुम दोनों को, लेकिन मुझे पानी चाहिए था और ये उसी में। मैं दे देता हूँ। इसे कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता। ना कोई छल, ना कोई कपट, ना कोई चालबाजी, सिर्फ इज्जत और प्यार। तभी तो नींद की हालत में भी तेजसर जी मेरे स्पर्श को पहचानते हैं। अब भी कोई शक है तो खुद जाकर तेजसर जी से पूछ लो कि मेरा हाथ पकड़कर उन्हें कितनी चैन की नींद आई। तेजसर जी मुझसे नाराज जरूर है, लेकिन उनकी नाराजगी से ना ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि हमारा रिश्ता ये नाराजगी से कई ज्यादा मजबूत है। पहले मुझसे मेरी रसोई छीनी, फिर मेरा तेज। मेरा नाम भी राज रानी ढिल्लो है दालचीनी। देखा कैसे दोनों तुझसे वापस छीन लिए। है दर्द क्या, कैसे कहूं तेरे बिना। तुम्हें हमारे जैसे झूठों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है दालचीनी। दालचीनी, आज अगर हमारा रिश्ता टूट रहा है ना, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। कैसे समझाऊं आपको तेजसर जी, आपसे दो कदम की दूरी भी ना खंजर की तरह सीने को चीर देती है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए। दालचीनी, मेरे सॉक्स कहाँ हैं? अभी निकाल कर देती हूँ। रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है। और आगे से अगर कभी भी मैं तुम्हारा नाम लूँ तो समझ लेना गलती से लिया है, क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं जो मैं अपना काम खुद नहीं कर सकता हूं। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, समझी? क्यों हंस रहे हो? आपने कहा मदद की जरूरत नहीं है, पर वो तो दिख रहा है कि आपको मदद की कितनी जरूरत है। दो अलग अलग रंगों के मोजे लेकर आए हो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, अभी मैं तेज के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आंटी जी, ये सुनना बहुत जरूरी है, आपको सुनना पड़ेगा। क्या है? आपको पता है तेज के दिल में अभी भी दीदी के लिए जगह बाकी है।
तेज नाराजगी का सिर्फ ढोंग कर रहा है। मॉम, तेज आ रहा है, चुप रह भी। मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग बेटा। नाश्ता रेडी है? हाँ। सोफे पर ठीक से सो पाया? मुझे पता है जब तू रात को ठीक से सोता नहीं है तो सारा दिन चिड़चिड़ करता है। अच्छा सुन मेरी बात, बिना खाए ऑफिस तो नहीं जाएगा। आज मैंने तेरे फेवरेट गोभी के पराठे बनाए, ठीक है? तो बैठ, मैं लाती हूँ। बाद में बात करें। वाह मॉम, पराठे तो बड़े स्पाइसी बनाए आपने। वैसे मैंने स्पाइसी खाना सीख लिया। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा था कि ये पराठे दालचीनी। सर जी, मैंने कहा था ना, आप लाख कोशिश कर लो पर दिल के रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, दीपक को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। बेटा तू क्यों बकवास करके मेरे बेटे को इरिटेट करती है? तू इसे इग्नोर कर, तू पेट भर के खाना खा, इसकी बातों पर ध्यान मत दे, तू खा। कर रहे तू लाल मिर्च से क्या कर रहे? तीर्थ जी क्या कर रहे हो आप? छोड़िए इसे, मिर्ची खा रहे हो पूरा मुंह जल जाएगा। तीर्थ जी छोड़िए इसे, छोड़ दीजिए तीर्थ जी, पूरा मुंह जल जाएगा आपका। क्यों पीछे पड़ी हमारे? तुझसे कहा था ना मेरे बेटे से दूर रहना, आज इसकी हालत की जिम्मेदार तू है। Stop it. मॉम मत रोको मुझे प्लीज। आज फिर दालचीनी ने मुझे याद दिला दिया कि मैंने इसी ज़बान से इसका साथ निभाने की कसम खाई थी, और आज इसी ज़बान से मैंने आपके खाने को दालचीनी के खाने से कंपेयर कर दिया, इसलिए मैं इस ज़बान को सजा देकर रहूंगा। मॉम तेज, तुझे पता है तुझे तकलीफ में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। छोड़ इसे, छोड़। पानी दे इसको, पानी दे, जल्दी दे, पानी पी, पानी पी। तू क्या जिद है ये? उसकी बात पर ध्यान मत, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा बेटा कि तूने मेरी कुकिंग के साथ उसकी कुकिंग को कंपेयर किया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बेटा तुझे लगता है मैं इस लड़की से इनसिक्योर होंगी? जबकि मुझे पता है कि मेरे बेटे को मेरे हाथ का स्वाद सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं अपने बेटे की नंबर वन चॉइस थी और हमेशा रहूंगी, पता है ना तुझे? तेज, तेज, मेरी बात तो सुन बेटा, तेज। तेज सर जी, तेज सर जी। क्या चाहिए तुझे? इस घर की सुख शांति तो तू खा चुकी है, हमारी जान लेना चाहती है क्या? बख्श दे हमको, बख्श दे। मिर्ची तो खा ली मैंने, अभी मुंह में छाले आ रहे, क्या करूं इन्हें रोकने के लिए? अगर यहां से कहीं तीर्थ जी से टकरा गई तो क्या जवाब दूंगी उन्हें? नहीं नहीं नहीं, ये वाला रास्ता लेती हूं। तेज सर जी के हाथ में दे दोगे और उनसे कहना कि मम्मी जी ने दिया है। हाँ? जी जी।
इतना गुस्सा भरा है मेरे अंदर दालचीनी के लिए, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार उसका चेहरा सामने आता रहता है। सर ये आपके घर से आया है, आपकी माँ ने भिजवाया है, आपके मुंह में छाले आ गए ना इसलिए। भगवान ने माँ भी कमाल की चीज बनाई है ना। जी सर। माँ नहीं होती तो क्या होता। जी थैंक यू। क्या फायदा है तेज का हमारे सामने दीदी के ऊपर इतना गुस्सा दिखाने का, इतना चिल्लाने का, चीखने का? अगर रात में उसे दीदी का ही हाथ पकड़ के सोना था तो। कांटे की तरह हलक में फंस गई है ये दालचीनी, ना निगली जाती है ना उगली जाती है। इस कांटे को तो हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से मैं हटा के रहूंगी। एक महीने इस घर में रहने के इरादे से आ रही है ना, इसका ये सपना तो मैं पूरा नहीं होने दूंगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मैंने ये साबित नहीं कर दिया कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ये पागल हो चुकी है, तो मैं भी राजरानी ढिल्लो नहीं। ये अच्छा है, तेज सर जी से कोई भी काम करवाना हो ना, बस मम्मी जी का नाम ले लो, काम पक्का से हो जाना है। दीपक, ओ दीपक, कहाँ चला गया अपनी माँ को छोड़ के? एक तेरी माँ का तेरे बगैर क्या हाल हो रहा है? दीपक, अपनी माँ की खातिर एक बार वापस आ जा। दीपक, मम्मी चाची, मैं फिर तुझे तेज के साथ कभी कंपेयर नहीं करूंगी, बस एक बार वापस आ जा। तेरे दिल में जो आए तू वो काम करना, और नहीं करना तो कुछ मत करना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस वापस आ जा। तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? अपनी माँ से इस तरह नाराज मत हो पुत्र, मुझे आज भी ऐसा लगता है तू इस दुनिया से कहीं नहीं गया। वापस आकर साबित कर दे सबको। अकेले क्या कर रही? कुछ हो जाता तो वो तो अच्छा हुआ मैं आपको रास्ते में देख लिया मैंने, आप आई। खबरदार, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। और तू यहाँ क्या कर रही है? ओ, अपने किए हुए जुर्म के सबूत मिटाने आई है तू यहाँ? चाची, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। अपना जुर्म कबूल ना करने से तेरे दामन पे जो पाप के दाग लगे वो मिटने नहीं वाले दालचीनी। एक माँ से उसका बच्चा छीना है तूने, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, देख लेना। क्या आपको मेरी आंखों में जरा सा भी डर नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि मेरे भगवान जानते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। तू जितनी मर्जी सफाई दे ले, मैं तेरी बातों पे भरोसा करने नहीं वाली। तो फिर क्यों तू मेरे मुंह लग के ऐसे अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही है? खबरदार, जो आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी की तो। मेरी बात तो सुन लीजिए बिम्मी चाची, एक मिनट रुक जाइए। सबकी आंखों पर मेरे लिए जो नफरत का पर्दा चढ़ा है कि किसी को सच्चाई नजर ही नहीं आ रही है। कैसे साबित करूंगी मैं अपने आप को बेगुनाह? दीपक तुम वापस आ जाओ, क्योंकि एक तुम ही हो जो सबको ये बता सकते हो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। जो भी गलत किया वो कला और मम्मी जी ने मिलकर किया है। सिर्फ कला और मम्मी जी को गलत साबित कर कुछ नहीं होगा दालचीनी, क्योंकि अब उन दोनों के साथ पूरा परिवार तुझे गलत समझ रहा है। एक वक्त था दालचीनी जब पूरा परिवार तुझसे कितना प्यार करता था, और आज एक वक्त है जब वही परिवार तेरे खिलाफ खड़ा है। कैसे दिल जीतेगी उनका? सबका भरोसा मैं
कैसे जीतूंगी, कैसे चाची को यकीन दिलाऊंगी कि जितनी शिद्दत से वो दीपक को जिंदा देखना चाहती है उतनी ही शिद्दत से मैं भी दीपक को जिंदा देखना चाहती हूँ, क्योंकि एक दीपक ही है जो मेरी बेगुनाही साबित कर सकता है। ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि किसी पागल की बात तो वैसे भी नहीं मानी जाएगी कोर्ट में, और फिर दालचीनी चाह कर भी कभी भी हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही तो कर ही नहीं पाएगी। मैं इसकी ऐसी हालत करूंगी कि अगर वो कोर्ट पहुंच भी गई तो फैसला यही होगा कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, यानी कि दालचीनी पागल हो गई है, और फिर कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि इस पागल लड़की को पागल खाने भेज दिया जाए। अगर परिवार का दिल जीतना है तो मुझे ताकत की जरूरत है, और मेरी ताकत तो तेज सर जी से, थोड़ा सा उनसे दूर क्या हुई, कमजोर पड़ गई, और ऊपर से ये मम्मी जी और कला की चालें मुझे तो तकलीफ दे रही है, पर तेज सर जी को भी तकलीफ दे रही है, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती।